रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर निशन चैनल से, और आज हमारे चैनल पर प्रोफेसर रतनलाल जी, और जिनसे हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्वालिटी किस तरह से सुधार सकते हैं, इस मसले पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा सर। ओवर टू यू सर। शुक्रिया सुमित, और जितने साथी जुड़े हैं सब लोगों को जय भीम, और आपको, आपकी टीम को बधाई कि आपने ये दूसरा कॉन्फ्रेंस आप आयोजन कर रहे हैं, और मुझे आपने न्योता दिया है आने के लिए, उसके लिए भी शुक्रिया। आज पत्रकारिता दिवस है तो पत्रकारों को स्पेशल बधाई, और मैं बहुत ही गंभीर, आपने मुझे विषय दिया है कि कंटेंट, तो मैं एक तो बता दूं कि मैं छात्र हूं, और जितने साथी हैं जुड़े हुए हैं सब मुझसे बेहतर जानते हैं YouTube पे और पत्रकारिता की दुनिया में। मैं इतिहास का छात्र हूं, पढ़ता हूं, हिंदी साहित्य में भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, वो काम करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना क्वालिफाइड हूं कि आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों को मैं कोई बहुत ज्यादा उस पर लेक्चर दूं। आप सब परिचित हैं अपने काम से, लेकिन एक छात्र होने के नाते जो मैंने सीखा है और जो लिखता पढ़ता बोलता हूं कभी कभार, तो उससे दो तीन चीजें हमने सीखा है कि एक तो पहले ये मान ले कि आप ही मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया आप ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिटेरियरेशन हुआ है, हराश हुआ है पूरा मीडिया का, चाहे क्वालिटी हो, कंटेंट हो, डिलीवरी हो, भाषा का सवाल हो, मैं अभी दूसरी मीडिया की बात कर रहा हूँ, अभी अपने पे आऊंगा आगे में। तो कहते हैं ना कि अगर राज सत्ता किसी पत्रकार की तारीफ करे या नेता किसी पत्रकार की तारीफ करे तो वो अच्छा पत्रकार नहीं है, कि पत्रकारिता में भक्ति अलाउड नहीं है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, और एक वैचारिकी का होना बहुत जरूरी है, यह गंभीर पेशा है जर्नलिज्म। रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म में अंतर है, रिपोर्टिंग जर्नलिज्म का पार्ट है, जर्नलिज्म ज्यादा विशद व्यापक क्षेत्र है, विषय है, उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से रिपोर्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब आप, जैसे मैं देखता हूं कई सारे YouTube पे हमारे भाषण भी लगते हैं, चाहे मैं बोलता भी हूं, दो तीन चीजें मैं संक्षेप में आपको रखना चाहता हूं कि जैसे सुमित ने भी बात की कि लॉकडाउन में अम्बेडकर नामा हमने यूट्यूब चैनल चलाया, और एक एक वीडियो के लिए कंटेंट के ऊपर ही अगर कहें तो, अगर गंभीर कंटेंट करना हो तो 6-8 घंटे लगते हैं, इसको कॉन्सेप्चुलाइज करना, उसको कॉन्टेक्चुलाइज करना, भाषा का सवाल कि शब्दों का चयन कैसे करेंगे, आप टाइटल कैसे लिखेंगे, थंबनेल क्या बनाएंगे, तो ये सारे जो सवाल होते हैं वो मैं सीख रहा हूं। मैं तो ये समझ के आया था कि सुमित के इस प्रोग्राम और सब आप सबके प्रोग्राम में हम कम से कम सीखेंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अभी उससे आगे मैं बढ़ना चाहता हूं कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ है रणदीप हुडा का, और अगर वीडियो मैंने भी देखा है, और वीडियो अगर देखेंगे तो मुझे लगता है शायद पुराना वीडियो है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हाल फिलहाल का वीडियो तो नहीं है, कई साल पुराना वीडियो लग रहा है, वो मुझे लग रहा है कि 10 साल के आसपास पुराना वीडियो होगा। तो जब हम जर्नलिज्म करते हैं, जब हम किसी विषय पर स्टैंड लेते हैं, तो एक तो है कि उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे तो कई बार डिरेल भी हो जाता है पूरा मामला, और जाहिर है कि इस तरह की जो प्रवृत्ति है, हमने लगातार मुनमुन दत्ता के थ्रू या फिर के मिश्रा का, चाहे फिर युविका चौधरी पे, हमने एक पोजिशनिंग की है, स्टैंड लिया है, और इसमें आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन किसी संदर्भ में ये वीडियो कहां से आया, कौन लोग इसको वायरल करने वाले हैं, इसका जेनेसिस क्या है, उसकी पड़ताल किए बगैर एकदम भीड़ में उसके पॉलिटिक्स को नहीं समझना। आप समझ रहे हैं, अभी किसान आंदोलन को लेकर जो पूरा बैकबोन है एक तरह से,
दलित भी उसमें भागीदारी है, जो दलित समुदाय के, जो शेड्यूल कास्ट समुदाय के लोग हैं काफी संख्या में उससे जुड़े हैं, एक सिंपैथी भी है। लेकिन उस संदर्भ में एक खास तरह की पॉलिटिक्स जन्म लेती है और उसको ब्रेक करने के लिए कई तरह की लीलाएं होती हैं। हम चाहे रणदीप हुड्डा हो चाहे जो भी हो, इस तरह की टेंडेंसी के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं और बोलते रहेंगे, लेकिन कभी कभी संदर्भों को समझना जरूरी है। और मैंने कई नेताओं को भी फोन किया कि भाई जरा बताइए ये आप ट्विटर पे चल रहा है क्या मामला है, लेकिन इसका कोई सटीक कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए मैं आता हूं पहले कंटेंट पे आता हूं कि जैसे वकील होते हैं, वकील की तरफ पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि पत्रकार जो जर्नलिस्ट है उसको तरह तरह के लोगों से, डॉक्टर से भी इंटरेक्शन करना होता है, उसको वकील से भी करना होता है, लीडर से भी करना होता है, मजदूर से भी करना होता है, किसान आंदोलन भी कवर करना है, जंतर मंतर भी कवर करना है। तो ये गंभीर पेशा है, ये प्रोफेशन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ माइक ले लिए और जाके मुंह में किसी के गुजर दिए और हम जो चाहते हैं वही बोलिए आप, नहीं। ये पूरा आपको रिसर्च आप सुन रहे हैं मेरी बात, आ रही आवाज? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ। तो एक गंभीर काम है और उसको बहुत ही गंभीरता से किया जाना चाहिए। जैसे क्या किया जाना चाहिए, तो जैसे थीम बनाते हैं, अगर मान लिया कि हम राकेश टिकैत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं मान लीजिए, तो उसके पहले थोड़ा जेनेसिस किसान आंदोलन का क्या है, कैसे कब हुआ, थोड़ा हिस्ट्री का की पड़ताल करना, कि जब तक आप हिस्ट्री की पड़ताल नहीं करेंगे तब तक अच्छी पत्रकारिता नहीं हो सकती है, उसके जेनेसिस को समझना पड़ता है। इसलिए सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि कोई भी जब इशू कवर करें, इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, कम से कम आप उसके जेनेसिस को समझें। इस देश में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इस देश में किसानों के नाम पे हुकूमत हुई है। अगर चुनाव चिन्ह का अगर अध्ययन आप करें तो गाय बछड़ा, हल बैल, हंसिया खुरपी, इस तरह के सिंबल्स होते थे और भारत सरकार लोगों ने चलाया है सिंबल के बेसिस पे। तो ये उसके पीछे थोड़ा जाना, इतिहास दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि अच्छी तरह से हम समस्या के जेनेसिस को नहीं समझ पाएंगे, उसका सोल्यूशन क्या है, किस दिशा में जाएगा वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये गंभीर काम है और संजीदगी से इसको लिया जाना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, डॉक्टर अंबेडकर, अगर आप अंबेडकरनामा पे देखते होंगे तो कई मैंने मीडिया को लेकर वीडियो बनाए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता, वो तमाम अखबार निकाले, भूषण प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने खोला, भूषण प्रिंटिंग प्रेस। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर निशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN
0060303336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।